तो हेलो दोस्तों, आपके भाई के चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप भी बहुत सारे गेम खेलते हो, या तो फिर फ्री फायर, सीओडी, या तो फिर पबजी मोबाइल, इन जैसे गेम खेलते हो। और आपका भी डिवाइस लैग होता है, आपका भी फ़ोन हैंग होता है, या तो फिर आपके फ़ोन का रैम कम है। तो आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपके फ़ोन का रैम बढ़ जाएगा और आपका फ़ोन लैग होना या तो फिर हैंग होना कम हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपका फ़ोन एकदम स्मूथली चलेगा, एकदम मक्खन मापिक। अब देखिए दोस्तों, मेरा भी फ़ोन 4 GB रैम वाला है, पर मैंने ये 2 साल पहले लिया था और इसी में मैं बहुत सारे गेम खेलता हूँ, वीडियो की एडिटिंग भी करता हूँ और यूट्यूब पर अपलोड भी करता हूँ, और फिर भी मेरा फ़ोन अच्छे से वर्क करता है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको भी बताता हूँ आपका फ़ोन रैम कैसे बढ़ाना है और इसको स्मूथ कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्वैप नो रूट। अगर ये आपको एप्लीकेशन पता है तो मैं इसको सही तरीके से यूज कैसे करना है वो बता दूंगा, तो वीडियो पूरी देखिए। अभी इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं उसको आगे बता दूंगा, सबसे पहले जानते हैं इसको यूज कैसे करना है। जैसे इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्वैप साइज, इसके ऊपर आपको जितने MB रैम बढ़ाना है उतने MB टाइप करना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 2 GB रैम बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं 2 GB की MB डाल दूंगा, 3 GB बढ़ाना है तो 3 GB की MB डाल दूंगा। मैं यहाँ पे 3 GB बढ़ाना चाहता हूँ तो 3 GB की MB यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर टाइप करूंगा, यहाँ पे मेरे को क्रिएट स्वाइप के ऊपर टाइप करना है। अगर मेरे पास उतने कॉइन हो गए तो ये क्रिएट हो जाएगा, या तो फिर मुझे कोई ऐड देखना पड़ेगी। जैसे ही मैं ऐड देख लूँगा तो एक बार ऐड देखने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा। अब आपके पास कॉइन आने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आओगे, यहाँ पे स्वैप साइज के ऊपर आपको जितना रैम बढ़ाना चाहते हो आप उतना MB आपको टाइप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 GB रैम बढ़ाइए, 4 GB से ज़्यादा रैम बढ़ाओगे तो आपको फ़ोन को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आपको क्रिएट स्वैप के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका रैम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आएगा। अब देखिए दोस्तों, आप जितना ज़्यादा रैम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। अब दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसेसिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपको ओके दबाना है। यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे इसको आप ओके के ऊपर टाइप कर दोगे आपके फ़ोन का रैम बढ़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप फ़ोन में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको रैम दिखाई नहीं देगा, आपको डाटा फोल्डर में जाके चेक करना पड़ेगा। आप जाके देखोगे इस ऐप के ऐप इन्फो में तो आपको ये 3 MB का ऐप 3 GB का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है, ये ऐप आपके इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करता है आपके फ़ोन के रैम बढ़ाने में। जैसे कि आप 4 GB रैम बढ़ाते हो तो आपका 64 GB वाला मोबाइल होगा तो उसमें की 4 GB माइनस हो जाएगी और आपका फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज हो जाएगा 60 GB। अगर आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हो तो आपका फ़ोन पहले जैसा हो जाएगा। अब देखते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको सर्च करना है स्वैप नो रूट, स्पेलिंग यहाँ पे ठीक से देख लीजिए। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो बस ये 3 MB का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और आपके फ़ोन की रैम बढ़ा लेनी है। इसको बढ़ाने के बाद आपका फ़ोन एकदम मक्खन के माफिक चलने लग जाएगा, आपका फ़ोन लैग कम करेगा और हैंग भी कम होगा। अब दोस्तों, आपको बस एक हेल्प करनी है, आपके दोस्तों के वीडियो शेयर करनी है और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं इसी तरह के नए नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।